XUV 700। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि महिंद्रा ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी 300 को लॉन्च किया था, जिसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी क्रॉस की थी। उसी तरीके से महिंद्रा अपनी नेक्स्ट जनरेशन कोड नेम W601 लॉन्च करने वाला है XUV 700 को। टेस्टिंग के दौरान लिए हुए कुछ स्पाइस शॉट्स को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर महिंद्रा ने बिल्कुल मर्सिडीज की तरह बड़ी सी टच स्क्रीन दे रखी है, जो बहुत ही हाईटेक लगती है। और इसके अंदर डोर हैंडल्स पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए सीट बटन्स भी दे रखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं। मतलब कि महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में बिल्कुल मर्सिडीज और BMW जैसे फीचर्स दे दिए। और इसके अंदर आपको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स भी देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल स्प्लिट होते हैं, बटन दबाओ तो बाहर और बटन दबाने से अंदर हो जाते हैं। मतलब कि महिंद्रा अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल 50 से 60 लाख वाली गाड़ियों में आने वाले फीचर्स को अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहा है। कि मतलब कि बिल्कुल ही 50-60 लाख वाली गाड़ी के मजे आपको 20 से 25 लाख वाली गाड़ी में मिलने वाले हैं। इतने सारे हाईटेक फीचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर भी कर दो। इसके अंदर महिंद्रा ने क्या क्या नहीं दिया, काफ़ी सारी चीज़ें तो महिंद्रा ने अपनी प्रॉपर वेबसाइट पर जारी भी किए हैं और तो बताया भी है कि महिंद्रा काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर भी कर चुका है। कि महिंद्रा अपनी वेबसाइट पर बताया है कि हमने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि इस गाड़ी में लगभग 20 से 25 लाख रुपए में आपको 50 से 60 लाख वाले मजे पूरे आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी और कई भाइयों ने तो इसकी बहुत सारी टीजर वीडियो भी देखी होंगी। 8 ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला है ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, और दूसरा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और तीसरा फीचर्स है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, और चौथा फीचर्स है ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्टर, और पांचवा फीचर्स है ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, और छठा फीचर्स है लेन कीप असिस्ट, और सातवा फीचर्स है हाई बीम असिस्ट LED लाइट्स, और सबसे आखिरी फीचर्स की बात कर लें वो 8 फीचर्स, उसका नाम है पर्सनलाइज स्पीड वार्निंग सिस्टम। महिंद्रा अपने XUV 700 के अंदर 8 हाईटेक फीचर्स के साथ XUV 700 को लॉन्च करने वाली है। मतलब कि XUV 700 फुल्ली हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट भी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ये ऑफर कर दी गई है। और वैसे भी आजकल महिंद्रा की गाड़ी इतनी हाईटेक आ रही है, आप देख लो महिंद्रा की थार देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे जीप की रैंगलर हो, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगती है। इंटीरियर को ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए मर्सिडीज की तरह एक बड़ी सी टच स्क्रीन, और इसके अंदर लेदर रैप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। और इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील पर आप क्रूज कंट्रोल, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे फीचर देख सकते हैं। और इसके डोर हैंडल्स पर मर्सिडीज की तरह इलेक्ट्रिक सीट्स को एडजस्ट करने के लिए बटन्स भी दिए हुए हैं। इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके सेंटर कंसोल में आपको डिफरेंट ऑफ रोडिंग मोड्स भी मिलेंगे, जो इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में मिलने वाले आपको सैंड मड जैसे डिफरेंट मोड मिलेंगे, जिस आप जैसे चाहो वैसे इस गाड़ी को चला सकते हो। जिस तरीके से टाटा ने अपना ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म बना लिया है, जिस बेस पे टाटा की सफारी और टाटा की हैरियर बनी है, उसी तरीके से महिंद्रा ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है W601, जिस बेस पे ये XUV 700 को बनाने वाला है। और उसी हिसाब से देखें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी लग रही है। महिंद्रा ने काफ़ी हद तक BMW मर्सिडीज से इंस्पायर होकर अपनी गाड़ी को इतना ज़्यादा हाईटेक बना दिया है। अगर आप एक 7 सीटर लेने वाले हैं तो आप टाटा की सफारी, MG हेक्टर प्लस और क्रेटा की 7 सीटर, हुंडई की अल्कज़ार से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। महिंद्रा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बताया है कि हम अपनी गाड़ी को 4x4 ऑप्शन के साथ लॉन्च करेंगे, और इस सेगमेंट में आने वाली टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और क्रेटा की 7 सीटर, हुंडई की अल्कज़ार में इनमें किसी में भी 4x4 का ऑप्शन नहीं आता। महिंद्रा ने सोचा कि हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल अलग रखेंगे और गाड़ियों से। और इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर M फॉल्कन टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 190 BHP पावरफुल है। और दूसरा है 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर M हॉक डीजल इंजन, जो 180 BHP पावरफुल है। और इसकी दूसरी तरफ देखें तो आपको 3 गाड़ियों में आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलता है,
एमजी हेक्टर प्लस जीप कंपास और टाटा हैरियर में आपको 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है। टाटा की सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई की अल्क्ज़ार में आपको किसी में भी आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए महिंद्रा ने सोचा कि अब हम सबसे हटके चलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी तरफ महिंद्रा ने इसके अंदर 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर एम फॉर्गन टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है जो 190 BHP पावरफुल है। कहीं ना कहीं ये टाटा की सफारी पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि टाटा की सफारी में आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। XUV700 के अंदर आपको ADAS टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखें तो इसके सामने आपको LED डे टाइम रनिंग लैम्प एंड फुल LED टेल लैम्प मिल जाती है और देयर आल्सो LED फॉग लैम्प प्लेस इन द बम्पर। और इसके सामने आपको L शेप LED डे टाइम रनिंग लैम्प मिल जाती है जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और इन्हेंस करती है इसके लुक्स को। इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसके रियर प्रोफाइल में आपको नाइट माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं, रियर स्पॉइलर, रियर वाइपर विथ वॉशर, डिफॉगर एंड शार्क फिन एंटीना, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल LED टेल लैम्प मिल जाती है एंड अपराइट टेल गेट भी मिल